हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती हैं, जहां पर आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म कराया जाता है और टेस्ट लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे पेपर दे रहे हैं वो इस टॉपिक को ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे ज़रूर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय ऊषा काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से बाद का समय, तो सूर्योदय से बाद का समय पूर्वाहन कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, पूर्वाहन से बाद का समय, तो पूर्वाहन से बाद का समय कहलाता है माध्यान्ह। और नेक्स्ट है कि माध्यान्ह से बाद का समय क्या कहलाता है, तो माध्यान्ह के बाद का समय कहलाता है अपराहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराहन के बाद का समय क्या कहलाता है, संध्या कहलाता है। अपराहन के बाद का समय संध्या कहलाता है। नेक्स्ट है, संध्या के बाद का समय क्या कहलाता है, तो गोधूल बोला जाता है। बहुत बार पूछा गया है गोधूल अर्थात गोधूम, ठीक है, गोधिल। नेक्स्ट है कि रात का प्रथम पहर, तो रात का प्रथम पहर जो होता है वो प्रदोष होता है, प्रदोष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात का समय जो होता है उसे निशीच बोलते हैं, निशीथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात का तीसरा पहर जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिधामा बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात का चौथा पार किसे कहते हैं, तो रात का चौथा पार होता है उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 4 AM होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे हुए जो कि सूर्योदय से पूर्व का होता है, अपराहन हमारा ऊषा काल, और सूर्योदय के बाद का समय पूर्वाहन, पूर्वाहन से बाद का समय मध्याह्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक दो बार आपको देखना है, और देखने के बाद आपको ज़्यादा यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर हमारे सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड कराई गई हैं। आपकी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे PDF बनाई जाती हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।